गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप फेसबुक पर एक न्यू बिजनेस पेज बना सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस है उनसे भरपूर फायदा उठा सके। सो पेज बनाने के लिए, एक न्यू बिजनेस पेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने जाना है होम पर। ये मैं ऑलरेडी होम पे गया हूँ अपने अकाउंट के ऊपर, ठीक है। After it, you need to press ऊपर ये आपको right, left most side पे आपको नजर आ रहा है पेज का ऑप्शन, इसे आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप पेज के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको एक बटन नजर आ रहा है क्रिएट अ न्यू पेज, इसको आपने क्या करना है प्रेस कर लेना है। जैसे ही मैंने प्रेस किया तो मेरे सामने ये फॉर्म ओपन हो गया है। Now I'm going to write my page name. For example, मैं एक डिजिटल एजेंसी बनाता हूँ, so I will type there digital agency. आपने क्या करना है अपने पेज का नाम लिखना है, अपने बिजनेस का नाम, जिस चीज के लिए आप अपना पेज बना रहे हैं। उसके बाद इसकी कैटेगरी लिखनी है। कीप इन माइंड कैटेगरी आपने वो रखनी है जिस जो आपका बिजनेस जिसमें फॉल करता है, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं एक डिजिटल एजेंसी खोल रहा हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ टाइप कर सकता हूँ सोशल मीडिया एजेंसी। एक मैं कैटेगरी रख सकता हूँ डिजिटल क्रिएटर, ठीक है। और आप अपने बिजनेस या अपने पेज के अकॉर्डिंग कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। फिर हमने बायो रखना है। बायो बेसिकली स्लोगन होता है किसी भी कंपनी का, ठीक है। यू कैन सिलेक्ट द बायोस फ्रॉम द इंटरनेट, और अगर आपके माइंड में खुद है भी तो आप खुद भी रख सकते हैं। डिजिटल एजेंसी के बायोस अगर मैंने फाइंड आउट करने हैं तो आई कैन इजली टाइप इट ओवर देयर डिजिटल एजेंसी। आगे मैं लिखूंगा स्लोगन या मैं बायोस भी लिख सकता हूँ। इसके बाद मैंने सेलेक्ट करना है, फर्स्ट किसी वेबसाइट पे चले जाऊंगा। यहाँ देखें मेरे पास मल्टीपल नंबर ऑफ बायोस अवेलेबल हैं। इधर से ये अच्छा है, ब्रेस मार्केटिंग फॉर द डिजिटल एरा। इसको मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया और अगेन मैं फेसबुक पे जाऊंगा और इधर पेस्ट कर लूंगा, ठीक है। ये आपके पेज पे इधर लिखा आ गया। नाउ आई विल क्लिक क्रिएट पेज। जैसे ही क्रिएट पेज की ऑप्शन पे मैं सिलेक्ट करूंगा तो मेरे सामने एक और ऑप्शन ओपन हो जाएगा। लेट्स हैव अ लुक। अभी ऑप्शन ओपन होगा। अब मैंने अपनी वेबसाइट एंटर करनी है, ठीक है। अगर मेरी वेबसाइट नहीं है तो मैं इस ऑप्शन को ब्लैक रख लूंगा। उसके बाद नंबर एंटर करना है। नंबर यहाँ से आपने कोड सेलेक्ट करना है पाकिस्तान का और फिर आप अपना नंबर एंटर कर लेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ अपना नंबर एंटर करता हूँ और ईमेल एड्रेस एंटर कर लेता हूँ। अभी ऑप्शनल है, अभी मैं ईमेल एड्रेस नहीं रखता क्योंकि अभी मैंने बिजनेस ईमेल नहीं क्रिएट की हुई। और एड्रेस आप मेंशन करेंगे अगर आपका कोई फिजिकल एड्रेस अवेलेबल है। उसके बाद आपने आर्ट्स सेलेक्ट करने हैं। हमारे पास तीन ऑप्शन नजर आ रही है, नो आर्ट्स अवेलेबल, तो हमारे जो आर्ट्स हैं वो शो नहीं होंगे हमारे पेज पे। अगर ऑलवेज ओपन करूंगा तो यहाँ मेरे पास लिखा आ जाएगा ऑलवेज ओपन, ठीक है। इट मीन्स कि हमारा जो बिजनेस है वो हर टाइम ओपन होता है। अगर मैं ओपन सिलेक्टेड आर्ट्स को सिलेक्ट करूंगा तो मेरे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी और ये मुझे सिलेक्टिव टाइमिंग पता कर रहा है कि मंडे को किस टाइम से लेके किस टाइम तक मेरा जो ऑफिस है वो ओपन रहेगा, या ट्यूजडे को किस टाइम से लेके किस टाइम तक मेरा ऑफिस ओपन रहेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी आई विल गो फॉर द ऑप्शन ऑलवेज ओपन, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर लूंगा। जैसे ही नेक्स्ट के बटन को क्लिक किया अब मेरे पास क्या आ गया है, एड कवर फोटो और प्रोफाइल पिक्चर। सेम प्रोसीजर, आपने प्रोफाइल पिक्चर एंटर करनी है, देन आपने कवर फोटो एंटर करना है, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर आप इजीली कैनवास से डिजाइन कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड प्रोफाइल पिक्चर, ऐड प्रोफाइल पिक्चर। अब मैंने ऑलरेडी बना ली थी प्रोफाइल पिक्चर, आई विल सिलेक्ट इट। Now I will add cover photo as well. Click next.
skip, next, done. तो ये मेरा पेज बन गया है। आई होप आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़। फिया मानेला जज़ा।